अभी हमारे वार्ड नंबर 5 से जिला पार्षद नीतू यादव जी को स्टाल उठा करके पगड़ी बांध करके बोलेगा गांव की तरफ तो स्वागत किया जाएगा। अब सब कुछ तो संजीव भाई ने बताई दिया है, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ उस समय गर्मी का मौसम था, बहुत तेज गर्मी थी और हम अपने गांव से उतनी वोट पोल नहीं करवा पाए जितनी हम करवाना चाहते थे। 65% वोट पटौदी विधानसभा से पोल हम करवा पाए। इस विधानसभा चुनाव के अंदर 5 अक्टूबर को चुनाव है, मौसम भी सामान्य हो जाएगा, 80% से ज्यादा वोट अपने गांव से हम पोल करवा पाएंगे, तभी बिमला चौधरी हरियाणा की सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली विधायक बनेगी। तो आने वाली 5 अक्टूबर को आप सभी को मिलकर के कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाना है और बिमला चौधरी जी को सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करना है। साथियों, कल राव साहब ने बावड़ी की बड़ी मीटिंग में बोल भी दिया है कि मेरे कहने से 7-8 नहीं, मेरे कहने से 15 टिकटें मिली है। तो राव साहब के आशीर्वाद से इनको टिकट मिला है और राव साहब के आशीर्वाद से जिन जिन को भी टिकट मिला है, हमारी यारी दोस्ती रिश्तेदारी हो तो वहां भी फोन करके उनका समर्थन करना है, बिमला चौधरी को तो जिताना ही जिताना है। और जितने भी राव साहब ने कमल के फूल लेकर के दक्षिण हरियाणा के अंदर भेजे हैं उनको भी अपने फोन के माध्यम से, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से जिताने का आप सभी काम करेंगे। बिमला चौधरी को सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके अपने गांव का रिकॉर्ड बढ़ाओगे। राव इंद्रजीत जी का
तो पटौदी की जनता को, अंजोनियावासी गांव की जनता को दूसरी बार ये टिकट दे के विश्वास जताया है। विधायक आप बनोगे, मेरे को तो जो आप मार्गदर्शन दोगे मैं वो करूंगा। आपने मेरे को पहले भी देख रखा है, बर्त रखा है। भारतीय जनता पार्टी एक बिरादरी की पार्टी नहीं है, 36 बिरादरी की पार्टी। मैं आपसे आज वोट की अपील करने आई हूं कि आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाना है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार हरियाणा में बनानी है। और विकास कार्य की बात कहूं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विदेश में भी हमारा नाम, हमारे वर्ल्ड का नाम रोशन किया है वो सबके सामने। कांग्रेस पार्टी ने झूठ दे सुबह और कुछ नहीं किया। अभी मेरे को चेयरमैन साहब बता रहे थे, व्हाट्सएप पे भी आ रही थी, सबके फोन पे आ रही थी कि भाई नौकरी हरियाणा में मिलेंगी। हमने कभी नौकरी देखी? 10 साल पीछे चले जाओ, 10 साल का तो शासन हमारा भारतीय जनता पार्टी का रहा, उससे पहले कितनी नौकरी थी बताओ? बिना खर्ची के, बिना पर्ची के दिए तो भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी दी है। मेरे ख्याल से जोनी आवास से भी लगे होंगे। जो कहती है वो करती है, ये भारतीय जनता पार्टी है। मैंने जो विकास कार्य करवाए 2014 से 2019 तक, आपके सामने पटौदी में बाईपास बन रहा है, अब बैठते सभी ये कहने लगे कि ये अधूरा है। मैं बन जाऊंगी तो ओ बाईपास और बनवाऊंगी, बने पीछे जो 2019 से 2024 से जो विकास कार्य होंगे वो दुगनी रफ्तार से काम होंगे। जो अधूरे पड़े हैं सबसे पहले उन्हें पूरा करवाने का काम करूंगी। मोटा मोटा बता देती हूं, पटौदी में महिला कॉलेज बनवाया, पटौदी में सरकारी हॉस्पिटल बनवाया, पटौदी में मिनी सचिवालय बनवाया, पटौदी में 400 करोड़ की सड़क बनी, पटौदी में दर्जनों से भी ज्यादा शाला बनी, पटौदी में फाइव ब्रिगेड का स्टेशन बनवाया, और पटौदी में ही जो किसान भाइयों की फसल खराब हुई थी 125 करोड़ का मुआवजा दिलवाया। अभी मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई, जो काम अभी अधूरे पड़े हैं, चाहे खेत कल्याण का बात हो। 1966 से आज तक आपने देखा होगा, पता देते हैं कैंडिडेट को सिर्फ दो ही, एक चौधरी नारायण सिंह जी और एक मोहनलाल पिंपल जी। उन्होंने दोबारा टिकट मिला और दोबारा जीत कर आए, इसलिए मैं पूरे ग्राम पार्टियों की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप दोबारा तन मन धन से हम लगाकर
आपको उससे भी ज्यादा वोट दिलाने की कोशिश करेंगे। जो विशेष बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए आपने कितने ही विधायक देखे होंगे, कितने ही एमपी देखे होंगे, परंतु आज तक इस टाइप का आपने उम्मीदवार नहीं देखा होगा आपके पड़ोस में। और जोर से आदमी खेती करता है, खून पसीना निकालता है, उसी तरह विमला जी ने अपने इन हाथों से कस्सी लेकर धरती से हर एक तरह से जिसका खेती से पूर्णतः लगाव रहा है, एक ही चीज को जानती है, वही तो हमारा दुख दर्द कर सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जब ये पहले टर्म के अंदर एमएलए थी तो एक पल की बात आपको बताता हूँ, यहाँ खट्टर जी मुख्यमंत्री भी आए हुए थे, उनके सामने इन्होंने जो बारिश की फसल खराब हो गई थी उनके सामने भी दिखा कर ये कहने लगे, बोले सीएम जी देखो क्या हाल हो गया है, आप पूरा भरपूर फायदा दिखाएं। तो कि इन्होंने बताया कि 125 करोड़ मैंने दिवाए थे, इसलिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। होगा आज कल कितनी भारी अंकुश होता है पार्टी का, पार्टी के ऊपर भीख लग जाता है और उनकी स्वतंत्रता छीन ले जाती है, परंतु मैं नाज है मुझे ऐसे विधायक के ऊपर जिन्होंने सीएम के सामने कहने लगी, बोले जी हमारे क्षेत्र के अंदर उतना विकास नहीं हुआ जितना विकास होना चाहिए था। कोई ऐसा मेरे नहीं देखा मैंने आज तक जो इतने निर्भीक वतन से सीएम के सामने अपनी ऐसी डिमांड प्रस्तुत करते। तो चाहे विधानसभा का क्षेत्र हो, वहाँ पर भी और कहीं पर भी रैलियों के अंदर आपकी आवाज इतनी बुलंदी से उठाते हैं कि हमें नाज है। और हम दावे से साथ कह रहे हैं कि आप निर्भय होकर रहे, जैसे मैंने पहले कहा था जब आरती राव जी आई थी, उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहले चुनाव के अंदर सरपंच के चुनाव के अंदर जितना तनमन धन कर वोट दिया था उससे भी ज्यादा आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। आप निर्भय होकर और सबसे पहले बता रहा हूँ आज तक के इतिहास के अंदर पटौदी से विमला चौधरी के सिवाय कोई भी नारी आज तक नहीं बनी है, आप दोबारा इतिहास रचने जा रही हैं। तो बहुत बहुत आभार, बुरे आपको हम बार बार आश्वासित करते हैं, धन्यवाद।